नादरीन प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आवाज मेज़बान शकील सुमरो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से 29 नवंबर जी तारीख है जी वेझी अची रही है तीय मुल्की सियासत है उनको रुख जो है वो पैं तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से इंतहाई अहम रुख अख्तियार कर चुको है। वजीर अजम शहबाज शरीफ तरफा लंडन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुशावरत उनखापुए जरियन जो चवण है तो कोलेशन पार्टनर्स जे में पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान जी जमीयत उलमा इस्लाम ए बियू पार्टी शामिल हैं उन्हें सा भी मुशावरत कई वही है। इमरान खान जो चवण है तो नो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंदो उनके हथा मुख्य नाहल कराया वो इन हवाले से 29 नवंबर जका है उन तारीख ते फैसलो थो है दिसजे तो नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है केर थी जैसे तो कोलेशन पार्टनर्स जका मौजूदा हुकूमत है आर्मी एक्ट में तरमीम आने के हवाले से भी विचार पो वे आर्मी एक्ट में तरमीम आंदी वे थी पी तो समरी की जो जरूरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नालन वाली समरी मोकिली है उनकी जरूरत न पवी ए सीधो अख्तियार जो है वो वजीर अजम के मिली वो वजीर अजम नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्र कर सवाए तोशाखाना जो गिफ्ट है उन हवाले से उमर फारूक जो दुबई जो व्यापारी है वो मंजर से आयो है उन चवण है तोशाखाना जो तोहफा हुआ वो 20 लख डॉलर में उन खरीद किया जैसे तो इमरान खान इन सजे मामले का खास तौर पर जो फरा गोगी वो मामलो है उनका मुकम्मल तौर पर लातालकी अख्तियार कई है। इमरान खान जो चवण है तो एक निजी चैनल जो है उनकी किरदार कुशी कर रो है तेकर उन आला अदालत में वन जो फैसलो किया इन अहम इशूज से अज अस स्टूडियो में जॉइन किया है सीनियर साफी सीनियर तजिये निगार मंजूर शेख साहब टेलीफोन लाइन से अस जॉइन किया है पीटीआई के अगुवा हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब शुरू क्यों था मंजूर शेख साहब का मंजूर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री सजी सियासत जका है इन वक्त पीटीआई या कोलेशन पार्टनर्स उए इन हवाले से मुशावरत कर रहा है तो नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केर थी वजीर आजम कुछ दिन पहले लंडन में मौजूद हुए नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात थी जरियन जो ये चवण है जो कोलेशन पार्टनर्स हैं जैमें पीपल्स पार्टी ए बियू जमायतू शामिल हैं उन्हें सा भी मुशावरत कई वही है। आर्मी एक्ट में तरमीम जो गाल भी थी रही हैं इन हवाले से डेडलॉक जो है वो इन हवाले से है तो पहले जो नालो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मोस्ट सीनियर जो जनरल जो वरतो पो वे हाँ ये मुख्तलिफ तजिये निगार चवण है तो उनमें का रद्दोबदल कई पी वे किए दिसो था नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जी मुकर्री ए खास तौर पर जो मुल्की सियासत है उनका कड़ो रुख वी शकील साहब मेहरबानी ताजी हाँ समझा तो नाल के हवाले से एक प्रोसेस जो वो काफ़ी अरसे का इन मुल्क के अंदर हले पो जे खबरू जो तजिया मुख्तलिफ़ सहाफिन जहाँ मुख्तलिफ़ इदारे जहाँ हुजन था उनकी अहमियत पैं जगह थे आओ यो कौन तो चवा तो उन खबरों में का सदाकत न होंगी पर आओ समझा तो ही शयू जे जारी गाल पुख्ते प्रोसेस ए पुराने रवायतन से भी वे पैमाने से डिपेंड कन था वक्त की जी हुकूमत हो जारी गाल अस माजी की जी सी डेटा मौजूद है उन डेटा मुताबिक हर प्राइम मिनिस्टर या हर हुकूमत उनकी कोशिश हुए थी त आर्मी चीफ जो है वो अड़ो मू हो जिनसा गजी हली सकन उनमें नवाज शरीफ साहब हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हुए इन का पर्यों भी माजी में जे लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर्स जो रहा उन्होंने सभी हो तो जारी गाल आर्मी चीफ अड़ो हो जैसा हुकूमत के तकवियत मिले उनके वो मिले हाँ डेमोक्रेसी सिविलियन गवर्नमेंट इन बया इशूज हैं ये अमार अपॉइंटमेंट उनकी सपोर्ट जी केतरी पॉजिटिव आ नेगेटिव आ पंज जगह से पर एक परसेप्शन जरूर हुए तो इमरान खान वाली जी सजी सूरत आ उनमें भी इमरान खान जो उनकी अंदाजो करो तो जो वो फोकस आ वो फोकस ही इो आड़ो आर्मी चीफ हुए तो हू जी वापस जो अची सके वो चे तो मिसाल तौर पर जर को अड़ो आर्मी चीफ होंद जो उनको हामी न होंद या उन मुताबिक बाकायदा कौमी मफाद से
गंढियल न हुंदो त इमरान खान के खिलाफ कुछ न कुछ थी सके तो जारी गाल हाँ बई पार्टी जो केन उन बई पार्टियों की पंजन रीजन्स के करे एकड़ी सजो फोकस है इन अपॉइंटमेंट से। ये अपॉइंटमेंट माजी में भी इंपॉर्टेंट रही है पर हाँ जैसे मुल्क के अंदर वड़े पैमाने से एकड़ी पॉलिटिकल जो वो डिबेकल हो ये सिचुएशन हो जाए तो उनमें यह अपॉइंटमेंट जारी गाल तो अहमियत अख्तियार करे वे थी। आओ समझा दो तो जै नमूने से टाइम भरजी आयो आ सफा तो उन के ऐसी मुझो एनालिसिस मुझो पैंजो ख्याल है तो नाले के हवाले से शायद डिसाइड थी वो हाँ इशू यो आ बाकी प्रोसीजरल बया जो मामला होजन था आर्मी का वी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वी उन लीडरशिप का वी सरकार तीन जो हूँ थे तो सो अस मुलाकातू जिन सजे टाइम में हर मुलाकात के जिते बेन हवाल से ऐसो उनमें मेन हवा यो हों तो मिसाल शहबाज शरीफ ए नवाज शरीफ की मुलाकात थी है या जरदारी मौलाना साहब की जैसे मुलाकात थी का भी हाई प्रोफाइल मुलाकात थी तो उनमें ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस वो मामलो हो जाए तो सहाफिन जो भी पैं उनके इन गंढन था पर यह शे इंपॉर्टेंट आउं समझा तो ये भी ना तो एक ढीड़ो फैसलो वे बे ढी से वही या बिन टिन चार ढीन का फैसलो वे इन की पॉसिबिलिटी घट हो जाए थी। आउं समझा तो एकड़ी शे थी वही आ हाँ यो आ जारी गाल सो फोकस इन है न पर हाँ मामलो यो आटे शूं मुझे ख्याल में अज का वी जो जैसे का प्रोसेस शुरू थो उन वी कोई उन्टी टी तीन जो ये सो प्रोसेस होंद उनमें एक शही टॉक ऑफ द टाउन पर एक बो मामलो भी आठो तो अचानक तुम दिठो तो दुबई जो बिजनेसमैन जो है उमर फारूक जहूर जो आड़ी वही दावा सा सामू अची वो हाँ इन सजे टाइम पीरियड में इमरान खान या पीटीआई की जी लॉन्ग मार्च आ इम्पोर्टेंट इशू आ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तसो था तो कार्रवाई उत भी केसिस हलन था ठीक है ए पुरानो केस भी है जो पंजवी तारीख जो जो इस्लामाबाद की सजी सिचुएशन में तो ये ब चार शूँ ये ढी इम्पोर्टेंट होंद पर वक्त यो लगे तो बहरहाल इन टाइप जो मामलो आ जैसे इमरान खान पान रिएक्ट किया उनके चैलेंज कदस निजी चैनल से उन इजहार किया उनको नाराजगी जो हाँ अंदाजो कर हर मूव जी आ तीन डीह में हर मूव नजर इंदी यो पॉसिबिलिटी आ पीटीआई के तरफा भी का मूव नजर अचे पर मुझे ख्याल यो आको सजो जो पॉलिटिकल सजे इन डायमेंशन में जो डायलॉग वो पासो आ पर्दे के पुठिया हले तो कॉन्टेक्ट कंटिन्यूसली उनको असर हों मुजफ्फर शुजरा साहब शुजरा साहब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन जैसे उनमें क्लियर कट है वो अख्तियार प्राइम मिनिस्टर जो है समरी वी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तरफा कुछ नाला वा अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के वो जो नोटिफाई कद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इमरान खान जो जो पे स्टेटमेंट हुए उ तमाम घणियों एग्रेसिव हुए आस्ते आस्ते यू टर्न वरतो हिंसर वरी वो चे तो इमरान खान की स्टेटमेंट आई है तो जो पसंद जो नो चीफ आर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आंदो वो उन जरिए खेस नाहल करार दिनों वो अवान नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके फॉलो छो नो कह वे तो वो अख्तियार प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके वो एक्सरसाइज कर दिनों वे पाकिस्तान के शुरू का वी यो थी रो है हर को मानू पैं मनपसंद के अगे कह चाहे आर्मी हो चाहे बी कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी होजन चाहे कुछ भी होजे पुराना रिकॉर्ड यो है सदर अयूब का वी ऐसो तो पुराना रिकॉर्ड यो है मानून हर कें पा मानू उनके असली आर्मी माशाला ढी सुी आर्मी है पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शुमार थे थी पर उन आर्मी जी है
उहा उनखे हक़ ॾियणु खपे त भई हू पंहिंजा नाला पाण मोकिले। आइन में बिल्कुलु इहो आहे त हू मोकिलींदा प्राइम मिनिस्टर ते, प्राइम मिनिस्टर उनखे अप्रूव कंदो, जेके बि नाला हुजनि, टे हुजनि, ॿ हुजनि, हुन मां हिकिड़ो हिकिड़े खे सिलेक्ट कंदो। पर थींदो हमेशह इहो आहे त जीअं जनरल जा इलाइक़ो हुयो त भुट्टो साहिबु हुनखे टिनि चइनि टिननि खे रिटायर करे जनरल जा खे मथे आंदो। अहिड़े नमूने सां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे जॾहिं सिलेक्शन कई त हुन में बि मुशरफ खे ॿ टे जनरल खां अॻ में करे खणी आया। इहा जेका आहे इहा आर्मी में इहा न थियणु खपे। आर्मी वारनि खे इहो पाण सोचणु खपे त भई जेका शइ हुजे मेरिट ते हुजे। असांजो लीडर बि मेरिट जी ॻाल्हि करे थो, मेरिट ते तव्हां सभु माण्हुनि खे खणी अचो त मेरिट ते कमु थिए। पाकिस्तान मेरिट ते हलंदो त तरक़ी बि कंदो, ऐं जेकॾहिं फ़ौज मेरिट ते भर्ती थींदी त उनमें ख़र्चो न थींदो। जीअं जनरल ज़ियाल आयो त हुन भुट्टे साहिब खे फांसी ॾिनी, मुशरफ साहिबु आयो त हुन नवाज़ शरीफ़ साहिबु। अव्हांजो लीडर जेको आहे पंजे नंबर ते सीनारिटी लिस्ट ते जेको जनरल आहे उनजे लाइ चए थो त उनखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लॻायो वञे। उहो मेरिट जी ॻाल्हि नथो करे, हू पंहिंजी पसंदि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लॻाइण जी डिमांड कंदो रहियो आहे। असांजे लीडर कतन ईअं कोन चयो, हुन पंहिंजी इहे ज़रूरु ॾेखारी त भई हीउ माण्हू आहे थी सघे थो, पर ईअं कतन कोन थो चए त भई हिनखे लाज़मी करार ॾिनो वञे। हू चए थो त मेरिट ते रखो, मेरिट जंहिंजी सुठी हुजे, जंहिंजी आर्मी में फंक्शन सुठो हुजे, जंहिंजो आर्मी में कमु सुठो थियल हुजे, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज़ या इंटेलिजेंस वाइज़ सभु सुठो थियल हुजे, उनखे तव्हां भले अॻियां आणियो। पर हिकिड़े अहिड़े माण्हू खे उहो चॉइस ॾिनो था नवाज़ शरीफ़ साहब खे, जेको सज़ा याफ़्ता मुजरम आहे। हाणे मुजरम खां सलाह वठनि था त भई कहिड़ो जनरल रखणु खपे। इहा पाकिस्तान जी बदकस्मती आहे ऐं ईअं न थियणु खपे। जनरल जेको अचे, जनरल हेठां असांजी आर्मी जेका आहे उहा सिलेक्ट करे टे नाला जेके मोकिले अचे उन मां हिकिड़ो थियणु खपे ऐं मेरिट ते थियणु खपे। जंहिंजो नंबर आहे पहिरियों हुनखे मिलणु खपे, चाहे हू कंहिंजे बि फेवर में हुजे, चाहे हू कंहिंजे बि हुन में ख़िलाफ़ु हुजे, उहा बाद जी ॻाल्हि आहे। पर हुननि खे मेरिट इस्तेमालु करणु खपे, पर जेको इहो थियणु नथो ॾिनो वञे, जंहिंजे करे हीअ मसला आर्मी में काफ़ी पैदा थियनि था पिया। जनरल बि काफ़ी डिप्रेस था थियनि हिन ॻाल्हि में। हाणे बि चारि पंज जनरल जेके आहिनि उहे लाइन में आहिनि। हाणे पंज जनरल जेके आहिनि लाइन में आहिनि, जेकॾहिं चइनि खे हटाए करे पंजो रखियो वेंदो त चारि जनरल जेके हूंदा उहे त ज़रूरु दिलि में ख़्यालु कंदा त भया। शुजा साहब, 29 नवंबर ते इम्कान इहे आहिनि त नए चीफ ऑफ आर्मी जी मुक़ररी वारो जेको मामिलो आहे हिन वक़्तु, जेका मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में मुशावरत हलंदड़ आहे, उहो मामिलो सेटल थी वेंदो। हीउ जेको ॿियो मामिलो आहे तोशाखाना केस जे हवाले सां, नओं हिकिड़ो किरदारु उमर फारूक जे नाले सां जेको दुबई जो बिज़नेसमैन आहे, उहो मंज़र ते आयो आहे ऐं उन स्टेटमेंट ॾिनी आहे त उन तोशाखाना जा जेके तोहफ़ा हुया उहे $20,00,000 में ख़रीद कया आहिनि। इन हवाले सां जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके स्टेटमेंट आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ीर जेको पीटीआई जो रहियो आहे उहो फैसल वाबडा, उनजी बि स्टेटमेंट साम्हूं आहे त हीउ तोशाखाना वारो जेको केस आहे ज़रूरत छो पई, उहे तोहफ़ा जेके हुया उहे तोहफ़ा ख़रीद कया विया ऐं पोइ उहे वरी सेल थिया, वरी उहे साॻे हिकिड़े बिज़नेसमैन वटि जेको उहो विच में आयो, हिते उन जूं मुलाक़ातूं तस्वीरूं बि शेयर थियूं आहिनि। त इन हवाले इन केस खे अवां कीअं था ॾिसो? इन में त इमरान ख़ान जेको आहे असांखे इन्वॉल्व थींदे मुलविस थींदे नज़र अचे थो। इहो त हाणे इमरान ख़ान खे मुनवस कनि न, ज़बरदस्ती हुननि जी मर्ज़ी आहे पंहिंजी। बाक़ी पुराणियूं जेके ॾिसो त नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेके तोशाखाना मां शयूं खणी वियो उनजो हिसाबु केरु ॾींदो? जेको ज़रदारी साहिबु तोशाखाना में टे गाॾियूं खणी वियो उनजो हिसाबु केरु ॾींदो? उन्हनि खां त हिसाबु पुछनि ई कोन था। असां चवंदा फॉरेन फंडिंग केस आहे, तव्हां सभिनी खां पुछो त हुनखे कंहिंखे कोन था पुछनि। तोशाखानो केस हिकिड़ो जाली माण्हू खे अची साम्हूं टीवी ते वठी आया, हिन करे हिकिड़े चैनल ते चवनि था त हू चए थो भई हाणे ज़ाहिर आहे। इन में तव्हां ॾिसो हीअ जेका नवाज़ शरीफ़ जी रिज़िम आहे न, इहा पैसा ख़र्च करे तमामु घणा आहिनि हिते त का न को अहिड़ी स्कैंडल ठाहिजे। इहो सॼो कूड़ आहे। इनशाला ताला जेकॾहिं हिननि ईअं कयो त असांजे लीडर चयो आहे त मां हिनखे चैलेंज कंदुसि, असां चैलेंज कंदासीं इनशाला। पोइ जेको बि हूंदो चोर चोर ज़ाहिर थी पवंदो। घड़ी घड़ी ऐं शुजा साहिबु लॉकेट वारो जेको मामिलो आहे, तव्हां सम्झो था त उहे तोशाखाना मां उहे ख़रीद ई न कया विया आहिनि इमरान ख़ान तरफ़ां? ख़रीद जेकर कया थींदो उहो चए थो मां 50% ॾिना आहिनि न तोशाखाना में, हुननि में
नवाज शरीफ ज़रदारी साहब तो 15% ॾेई करे ख़रीद कया हुआ, उहे 15% वारा छॾे 50% वारनि खे वठंदा, 50% सभिनि खे वठंदा। शुजा साहब, इमरान ख़ान त मदीने जी रियासत सादगी जी ॻाल्हि कंदो रहियो आहे, छो ज़रूरत पई उन खे पंहिंजी घरवारी जे लाइ एतिरे वॾे रक़म में उहो लॉकेट ऐं घड़ी ख़रीद करण जी? ॾिसो न, सभिनी खे हक़ आहे त उतो छा ख़ैर शयूं ख़रीद करे सघे थो, इहा ख़रीद करण या न करण जी ॻाल्हि, इहा जो ज़रूरत पेश आई इहा ॻाल्हि ॿी आहे। बहरहाल सभिनी खे हक़ आहे, हर माण्हू खे जेको तोशाखाना, मंज़ूर साहब, तोशाखाना में नवाज़ शरीफ़ जो नालो शुजरा साहब वरितो, आसिफ़ ज़रदारी जो, ऐं हाणे इमरान ख़ान जो बि नालो आयो आहे। इमरान ख़ान त मदीने जी रियासत सादगी जी ॻाल्हि कंदो रहियो आहे, हुनखे पोइ छो ज़रूरत पई त उहे किरोड़े रुपयनि जा जेके आहिनि उहे घड़ी ऐं उहे ख़रीद उहे थियूं ऐं पोइ वरी सेल थियूं उहे $20 लख में उमर फारूक जेको बिज़नेसमैन आहे उहे हुन ख़रीद कयूं। त ज़ाहिर आहे त नवाज़ शरीफ़ जो मामिलो बि, आसिफ़ ज़रदारी जो मामिलो, पर हीउ जेको इमरान ख़ान मुसलसल लाॻीतो असां ॾिठो त उहो नैरेटिव जेको आहे उहो मदीने जी रियासत वारो खणी आयो, ही कंट्राडिक्शन आहे तव्हांखे तमामु वॾी कंट्राडिक्शन जेका नज़र अचे थी? इमरान ख़ान साहब जेको आहे उहो कहिड़े क़िस्म जी रियासत जेको आहे उहो पाकिस्तान में घुरे थो या हुन जे बकौल उन लाइ जिदोजहद करे थो, उहा त शुजरा साहब खे पाण खे बि ख़बर आहे। पर हाणे शुजरा साहब जी पंहिंजी मजबूरी आधारी ॻाल्हि आहे, त पार्टी जी पॉलिसी खां आधारी ॻाल्हि आहे, हेॾे होॾे कोन थींदो, उहो साईं जो राइट बि आहे। पर ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त तोशाखाना में भई नवाज़ शरीफ़ बि वरिता, ज़रदारी बि वरिता, फलाणे बि वरिता, ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि सही आहे। पर इशू इहो आहे त इन में ॿ सिनेरियोस आहिनि न। हिकिड़ी सिनेरियो इहो आहे त तव्हां तोहफ़ो जेको आहे तव्हांखे रियासत जे उहिदेदार जे तौर ते मिलियो ऐं तव्हां उहो वरितो, उहो पाण वटि रखो, तव्हांजो पंहिंजो शौक़ु आहे, ठीकु आहे न, शयूं गॾु करण जो या हेॾां होॾां, उहो ठीकु आहे, तव्हां हुन पोज़ीशन ते आहे त तव्हां उहो इख़्तियार इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां 15% 20% या 40% ते वरिता। पर इमरान ख़ान वारे केस में शुजरा साहब इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल में त दिलि में मूंसां अग्री ज़रूरु कंदा त तव्हां इहो तोहफ़ो वठो था या इहे तोहफ़ा वठो था जेके इन करे नथा वठो त हीअ यार वॾो क़ीमती ऐं यादगार क़िस्म जो हिकिड़ो तोहफ़ो आहे जेको असांखे पाण वटि रखणो आहे। मतिलबु माण्हुनि खे तमामु घणियुनि शयुनि सां हिकिड़ी सिक उहो बि हुजे थी न, उहो तव्हां इन करे वठो था त हाणे हीअ मां पंहिंजे पोज़ीशन खे इस्तेमालु करे 100 रुपए जी चीज़ 15 रुपए में वठां, उहा पोइ मार्केट में तमामु वॾे अघ ते विकिणियां। प्रैक्टिकली ख़ान साहब जो असां बीइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बि जेको ॾिसूं था, ख़ान साहब जे इन अमल ते ई त एतिराज़ आहे त तव्हां शइ वठी ऐं तव्हां वॾे पैमाने ते उहा विकी ऐं उनजो पैसो जेको आहे उहो वरी कीअं इस्तेमालु थियो आहे, इहो बि त ॾिसण जी ज़रूरत आहे न। असां भला इहा छो चवंदासीं त भला ज़रदारी साहब ऐं मियां साहब जे दौर में जेकी का ग़लतकारी कयूं उन ते असांखे छटी विझण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? पर सवालु इहो आहे त इहो बि अजीब मंतक हुजे थो त जॾहिं त शकील साहब ही कमु कंदो रहियो आहे इन जे करे मंज़ूर शेख खे बि बहस त साफ़ी ही कमु करे ऐं हुनखे जस्टिफाई कयां, अदा फलाणो बि त कंदो आहे न। त मुंहिंजे ख़्याल में शुजरा साहब जेको आहे कम अज़ कम इन अंदाज़ में शयूं जेके न, ख़ासि तौर ते अहिड़ा माण्हू जेके पीपल्स पार्टी छॾे ऐं हाणे विया आहिनि PTI में, त पुराणो हुनजो बैकग्राउंड त आहे न। ईअं त न कजे त जॾहिं त यार उहो फलाणो बि ईअं करे थो, फलाणो रिश्वत वठे थो, फलाणी चोरी कई, फलाणी ग़लतकारी कई, पर उहो तूं न कई शादा, मतिलबु जॾहिं बूते अचे थो इहो न करणु घुरिजे। हिते नंढे ब्रेक जे लाइ चए पियो वञे, कमर्शियल ब्रेक वठूं था, पोइ हिन साॻे सवाल खे जेको आहे शुजरा साहब वटि बि खणी वेंदासीं ऐं हिननि बहस खे बि अॻिते वधायूं था। नंढो कमर्शियल ब्रेक ऐं ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में प्रोफेसर इनाम भट्टी सीनियर तजिये निगार आहिनि, स्काइप ते असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं संदसि प्रोग्राम में शामिलु थियण ते असां भलीकार चऊं था। तोशाखाना तोहफ़नि जी ॻाल्हि थी रही आहे ऐं ख़ासि तौर ते उनमें उमर फारूक जेको दुबई जो बिज़नेसमैन आहे ऐं उन वक़्त ते ई
मंजर से आयो है जैसे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से मुशावरत हलंदड़ है। शहबाज शरीफ लंडन में नवाज शरीफ से मुशावरत के वक्त कोरोना वायरस जो शिकार थी चुको है। ख्वाजा आसिफ जो चवण है तो 18-19 नवंबर का बाजाबता तौर पर मुशावरत थी और 29 नवंबर तक ख्वाजा आसिफ जो चवण है तो नौ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी मुकर्री थी वी नोटिफाई थी वो मुल्की जी सियासत है वह इन वक्त नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री के हवाले से पीटीआई पैंजे खदशन जो इजहार कर रही है और कोलिशन जो पार्टनर आन उ आर्मी एक्ट में तरमीम ते विचारे रहा है। सूरताल इन हवाले से कड़ो रुख अख्तियार कंदी नए आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्री का सियासत जो सिनेरियो कड़ो वही मुल्की सियासत जो बीन उन भी पा गालसूँ ए यो सवाल पान खड़ी हलूँ था प्रोफेसर इनाम भट्टी दा। इनाम साहब किए ो नए चीफ ऑफ आर्मी साहब की मुकर्री 29 नवंबर की तारीख जी वेझो अची वही है उनका सवाए ही जे तोशाखाना के हवाले से केस के हवाले से उमर फारूक मंजर से आयो है इन सजे मामले के वहाँ कि तजिए में आई मेहरबानी शकील पहली गाल त आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट थी थे इन एकड़ी शे जहन में रखन खपे त इमरान खान पान पंजे टाइम ते इन अमेंडमेंट खां अग में बगैर अमेंडमेंट करण जे एकड़ो डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कयो जैमें इन ही पंजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन मिलियो मामलो सुप्रीम कोर्ट तई वियो सुप्रीम कोर्ट में उनके सेट करण जे लाए पो खुद इन पीटीआई हुकूमत इन ही आर्मी एक्ट जे क्लास 172 में अमेंडमेंट करे न रुगो उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जे मुकररी एक्सटेंशन बल्कि उनकी उम्र में भी 2 सालन जी वाद जो अख्तियार प्राइम मिनिस्टर पान वट रखी करे वो करे छो ते करे हिकड़ी त शे जहन में होजन खपे त मुझे ख्याल में मुल्क में वाहिद इो इदारो आ जैजे कें भी एक्ट के अंदर तरमीम उन्होंने पंजे मुशावरत मंशा ए मर्जी का सवाय मुख्य तो नो लगे कें में का जरूरत होजे जो करे सके जैसे एतरो ही कंखे अख्तियार मिली वे जो हू इन में आर्मी एक्ट में अमेंड करे वन सिंगल पेन स्ट्रोक से पो तो अलह केतरा बया वा मामला जे हर को ही ख्वाहिश कंदो हों जो भी वजीर आजम थो हों तो वह तो शूँ अमेंड कर छे तो यानी इन में मुराद यह थी तो उन वक्त भी उन इदारे के तरफा यह श उन्हें मंशा ए मर्जी से थी होंगी तेजे कर पीटीआई हुकूमत के उ शन वक्त में अमेंड कर यो मौको मिलो एन न रुगो उन वक्त में वजीर आजम उन एक्सटेंशन की समरी रुगो न मोकली ही प्रेजिडेंट ने पर डायरेक्ट आर्डर जारी कर छो यो भी तक जहन में होंद त उन सब शूँ तो हाँ भी जी हि शे थे थी उनमें एक शे बी मूँ अज पे नोट कई मुख्य पे नजर आई तो शायद जैसे गुजरियल इन कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन न मिले हा तो सीनियरिटी लिस्ट से जो आसिम मुनीर आए वो जो कुछ दिन पहरी हिंसर उन रिटायर थे पो तो शायद उन टर्न अची वे उनके यो रिटायरमेंट जो है सो कुछ दिन अग में न थे हा तो हाँ जी वरी ही अमेंडमेंट थे थी उनमें ब पॉसिबिलिटीज आन एकड़ो तो या तो उनके रिटायर थियण का अग में रिटेन करण जो जो अमेंड कयो थो वने उन में एक्ट 1952 जे क्लास 176 जे शायद 2A आ या कुछ उन में जो अमेंडमेंट थे थी तो उहा उन्हें जे इदारे जे मुताबिक हुंदी हाने उन में इम्कान यो आ या तो आसिम मुनीर के रिटायरमेंट का अग में रिटेन करण जे ला को ऑर्डर निकरणो आ जेंजे करे वो थींदो बी पॉसिबिलिटी भी थी सके थी जेका हियर सूरत हाल खराब थींदी पई वते उन वधंदड़ खराब सूरत हाल में इथे इन्हें तो न थींदो त इन जो ही वरी जो है सो बेनिफिट वठंदे वरी डॉक् सागो ही इनके कमर जावेद बाजवा के रिटायर थियण के बजाय एक्सटेंशन मिली वे जैसे वो इं थे तो उन वरी अना जो मामला वो थींदा मुमकिन है इं भी थे तो इतने वरी माजी में अड़ा अड़ी शूं तक याद होंद एकड़ो असो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जैं ऐलान कर छो तो एक्सटेंशन न वठंदुस मुख्य का जरूरत को उन जा पोस्टर लगन शुरू थी वह सजे मुल्क में इश्तहार अचन शुरू थी वह तो तेरे जाने के बाद तेरी याद आई तुझी जरूरत है तमाम वही वरी वो एक्सटेंशन भी थी वो इत इं भी मामला थन्दा किथे इं न थे तो वो थे तो बबा मुल्क में हाँ मामलो जडो ही वो खराब तो थे तो तेखा बेहतर आ भलाई कमर जावेद बाजवा इनके गुजरियल हुकूमत इमरान खान की भी एंड्रोस
उनखा अन्या प्रीवियस हुकूमत नवाज लीग जी उन भी एंड्रोस कयो हाने बई उनन के एतराज केड़ो आ छाकाण त बई इन सागी मानु के त अगे भेरे एंड्रोस करे चुका आन उन जी उम्र में भी वाद करे चुका आन उन के एक्सटेंशन भी देई चुका आन त हाने जे कने हिकड़ो बियो दफो उन के एक्सटेंशन दिजे थो इन जे करे त मुल्की मुफादन जे करे त मुल्क जेको आ सो पीसफुल हले उन में का भी अड़े किस्म जी का न थे त थी सके तो यो भी मामलो ई अची वने छाकाण त मामला हियर डाडा अटकल आन ए उन में जैंजी जेकरे का ख्वाहिश आए त अन्या इनन का को ट्रियों मानू अची सके तो मुझे ख्याल में उन ट्रे मानू जी रस्ता रोक दिलाए ही हिकड़ो जो को अमेंडमेंट थी दी वा उन इदारे जी पहंजी मंशा है मर्जी जे मुताबिक होंदी जेंजे करे थे तो इन सा अच्छा ही जो को उमर उमर फारूक वारो इनाम ही मंजर ते आयो है खास तौर ते तोशाखाना केस जे हवाले सा तोहफन जे हवाले सा वो भी ता समझो ता इते इंटरलिंक आ इन मामले ते इन जो इं ही है जी अस तिठो हों फॉरेन फंडिंग केस जो है कदें जो हो फॉरेन फंडिंग केस तद का दाखिल थो जैसे अं इमरान खान की हुकूमत भी को आई एनखो वरी कें जो है सो फाइल जी दबजी हेठ हलिया वह जैसे वक्त आयो तो उन वक्त से वो इलेक्शन कमीशन वट न रुगो फाइल निकरी बाहर आयो बल्कि उन डिसीशन भी अची वो वरी उन डिसीशन अचान का हाँ वरी तिठो हों तो वो फॉरेन फंडिंग केस जो नालो तब्दील थी हलो वो ममनुआ फंडिंग केस वो ममनुआ फंडिंग केस वरी अना एक बे क्लास में तो अची वे जैमें उन सजी पार्टी के ब्लैकलिस्ट कर सके तो उन में अकेलो फर्द न सजी पार्टी वही सके थी ब्लैकलिस्ट थी सके थी तेज करो हों हर बो दफो आ तो इलेक्शन कमीशन के केसिस की लिस्ट में वो डीलिस्ट थी तो वे वो केस जो बो दफो आ डीलिस्ट थे तो त इहो बि उन हिकिड़े क़िस्म जी उन्हनि खे इंडिकेशन आहे त मामला सिधा कयो था या इन खे वापसि लिस्ट में आणियूं शुजरा साहब जो ओपिनियन साहब तुशा खाना जे हवाले सां मंज़ूर साहब जेका ॻाल्हि कई नवाज़ शरीफ आसिफ़ ज़रदारी जो अहां मिसाल ॾिनो इमरान खान जो जेको नैरेटिव हुयो उहो करप्शन जो जेको नैरेटिव आहे उहो खणी आयो ऐं उन करप्शन खे हुन फोकस कयो ऐं नवाज़ शरीफ ऐं आसिफ़ ज़रदारी जा नाला वठी उन्हनि खे चोर सॾींदो रहियो हाणे जॾहिं इहे तोहफ़ा जेके आहिनि उतां ख़रीद कया विया ऐं उहे ख़रीद करण खां पोइ वरी ॿीहर सेल कया विया ऐं उन सेल खां पोइ जंहिं इहे घड़ी ऐं ॿिया तोहफ़ा जेके आहिनि ख़रीद कया आहिनि हाणे उहो शख़्स मंज़र ते अची पाण चई रहियो आहे त 20 लख रुपया जेके आहिनि फरह गोगी जी मार्फत उहे ख़रीद कया विया त इमरान खान जी जेका हीअ कॉन्ट्रडक्शन आहे नैरेटिव में ख़ुदि पंहिंजे नैरेटिव जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहे उहा साॻी प्रैक्टिस जेका तव्हां पाण चओ था आसिफ़ ज़रदारी नवाज़ शरीफ़ कई उहा साॻी प्रैक्टिस जेका आहे उहा जॾहिं इमरान खान करे थो त इहो पॉलिटिक्स जे अंदरि वॾो कंट्राडिक्शन न आहे साईं कंट्राडिक्शन छा जी आहे हिकु शइ जेकॾहिं ख़रीद कई आहे माण्हू हुनजी मर्ज़ी आहे विकिणे या रखे पाण पर हे त हिकिड़ो शोशो आहे गवर्नमेंट जो ठगी आहे तव्हां सोचियो त जेको उर्दुगान जी ज़ाल हार ॾिनो हो उहो हार यूसुफ रज़ा गीलानी जी ज़ाल रखी छॾियो मतिलबु न पैसा ॾिना छा पाण में रखी छॾिया जॾहिं हाणे हाणे माण्हू वाह वाह कई चओ हुन कढी चओ त भई हे यार न वठो ईअं बि थिए थो न भाउ उन्हनि खां त कोई पुछे कोन थो न असांजो इहो हथ भई सभिनी खां पुछो सभिनी खां हिसाबु वठो असां बि हिसाबु ॾियण लाइ तयारु आहियूं पोइ इन में छो इन में कहिड़ी ख़राबु कबाहत आहे भई जेकॾहिं इमरान जेकॾहिं तोशा खान जी शइ पहिरियां बि वरिती वई आहे उहा विकिणी वई आहे त उहा उन्हनि जो त हिसाबु थियणु तव्हां जस्टिफाई कयो था त जेको गिफ्ट अचे थो उहो घटि मालियत ते ख़रीद करे वरी सेल कजे ॿी टीन ते इहो जस्टिफाई आहे कंहिं प्राइम मिनिस्टर जी वेठल ऑफिस में सीट ते प्राइम मिनिस्टर जे लाइ जस्टिफाई आहे पाकिस्तान जो कानून आहे त तव्हां ख़रीद करे सघो था 15% ते पहिरियां हुकूमतनि 15% ते ख़रीद कया इमरान खान साहब त 50% ॾेई करे ख़रीद कया अथई ही त ॿियो केस कोन्हे इमरान खान ते करप्शन जो त इहे तोशा खान अची विया आहे तोशा खान जो को केस ई कोन्हे बादशाह ही मिड़े ज़ालिम आहिनि माण्हू इन्हनि खे अहमदाबाद इमरान खान चोर आहे हीअं हूअं बिल्कुलु 100% इन में चोरी कोन्हे पंहिंजी शइ जेकॾहिं मां वठां थो का शइ उहा मां हक़ आहे विकिणा मां 5 पैसा वधीक विकिणा छा फ़र्क़ु पए थो तोशा खान पहिरियों बि त तोहफ़ा मिलंदा आहिनि न मिलंदा आहिनि एतिरा हुकूमतूं आयूं आहिनि एतिरियूं हुकमरान थिया आहिनि सभु विया आहिनि इन में पंहिंजो मुशरफ बि वियो आहे उनखे बि तोहफ़ा मिलिया आहिनि ॿिया बि मिलिया आहिनि उन्हनि खां त को पुछे ई कोन अथव न इमरान खान मंज़ूर साहब तोशा खान पाण जेकॾहिं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि खे थोरो कंपेरिज़न कयूं
उते भी सागी प्रैक्टिस थे थी पाण बर्तानिया में बोरिस जॉनसन रिनोवेशन रुगो जो प्राइम मिनिस्टर उते फ्लैट जी कराई उनमें जडे उन वधिक पैसा खर्च किया तो उते अपोजिशन वो वडो इशू थियो उनके पो इस्तीफा देनी पई पार्टी में तो बिन मुल्कन के अंदर भी ये थे तो के गिफ्ट अचन था उतना जा प्राइम मिनिस्टर वो खरीद कन था वरी सेल कन था रीसेल थे तो एकड़ा तो करप्शन जा वडा अरबे रुपया जा इन पर ही जका गिफ्ट तोशा खाना वाला इन मामला बिन जान ते ये थे तो शगीद साहब मुझे ख्याल ही हुआ था असा के खास तौर ते एड़ा मुल्क जिते जमहूरियत मजबूत आ पुख्ती आ जिते कानून जो एहतराम आ जिते माण्हुनि खे कूड़ ए सच के विच में जो फर्क आ ना उन चंगे नमूने से खबर आ मतलब को अखलाकी मयार आ फ्रेंकली स्पीकिंग उते तो ये शूं लिखण में न थियं जैसे थोड़ी देर ला लिखाण में कामयाब थी वनो जदि उ खुलन थियो तो दिठो ता पाण मिसाल दिनों बर्तानिया जो ये तक मुख्तलिफ़ जगह से नजर इंदो यूरोप जहा काफ़ी प्रेजिडेंट्स काफ़ी वजीर अजम अड़ा जे जै इकोनॉमिक प्रोफाइल या जेतरन पैसन या जेतरो फैमिली बैकग्राउंड हो उन्हें जो पैसे डोकण के लिहाज का उन में आया बे टर्म्स खास तौर से टर्म्स रहा सबों जैसे उनो टर्म पूरो थी वो वापस वाया घर तो उनके पैसन में उनकी मिल्कियतुन में उनके कें बैंक बैलेंसन में टके जो फर्क न आयो वाधारो न थियो पर पाकिस्तान के अंदर तुम ऐसो तो मतलब असा के खबर आ न शुजरा साहब के भी याद हों तो सिंध असेंबली में जो वो काफ़ी मानू जड़ी आया तो बेन लफ्ज़ में उनकी हैसियत यह हुई तो वध में वध रक्षे जो किरायो अफोर्ड कर सकन पाया पर विद इन जीयर्स जे उन्हें तुम गाड़ी दिसंदा उन वे पैमाने से उनको लाइफ स्टाइल तब्दील थन्दे दिसंदा उनके घड़ो कुछ अची वो यानी असान अखिन के आडो थो मू ये तब्दील थन्दा न अस जी भी जर्नलिज्म है अस इतने असेंबली में भी दिठो आ पर इवन सागे पाकिस्तान के अंदर मैं बचार असेंबली जहाँ मेंबर्स अड़ा भी सुना जे पंज साल अंदर रहा जिनके हथन में फाइल हूँ तो पैंजन मानून जो केस जो वो विढ़ऊँ उन तकरीरू सारी तैयारी वो कदा जैसे उतार रिटायर थे तो वरी भी सिंध के शहर बलूचिस्तान सिंध के शहर में मानून के सागे प्रोफाइल से सागे नमूने से उन मानू में दिठो टके की भी रवैय में या पैसे में उन्होंने तब्दीली ना आई हाँ अड़ा मानू अड़ा किरदार अस वन पर मजबूरी तौर से इतने अस वे तो सारी इलिटिस्टिक पॉलिटिक्स अड़ा केस आन सही पर हाँ मिसाल पाकिस्तान जड़ा जो बया मुल्क जिते डेमोक्रेसी कानून या को अखलाक की एडी का हरू भरू भी अहमियत का इज्जत को उते भी ये ही हुकुमरान जे वो खाओ खपायो जो हजम कर उगराए भी ना पर हाँ जिते सियासत यह हो जैसे तो तह ये तो मुख्य भी करण जो हक आ तो सारी गालो सागो आर्गुमेंट आई चाहिए लास्ट क्वेश्चन पो प्रोग्राम वाइंड अप तरफ वनु था इनाम साहब सागी प्रैक्टिस तोशा खाना जो पान खणी मिसाल लियो था इल्जाम दिनो वे नवाज शरीफ ते आसिफ जरदारी ते तोन गाड़ियों खरीद कयो सागी प्रैक्टिस मदीने जी रियासत जो नैरेटिव दींदड़ करप्शन के खिलाफ नैरेटिव दींदड़ इमरान खान घड़ी वॉच ए बिया तोहफा खरीद करे तो वरी उए सेल करे तो रीसेल थन ता पिया तो ही जगह कंट्राडक्शन है तुम समझो या कंट्राडक्शन बिन मुल्क में भी ये सागे नमूने थे थी या यो सजो हिते ही है कल्चर अस पाकिस्तान में अमेरिका के प्रेसिडेंट के दुनिया का जेके भी गिफ्ट मिलंदा हैं वो उनके सागे अघ से मार्केट में जेका उनकी वैल्यू होंगी वह उनकी मार्केट वैल्यू कराइंदा उन मार्केट वैल्यू से उनके यो हक तो पान रखे जैसे नथो रखे तो उ आर्काइव्स में हली वेंदियूं आर्काइव्स में जैसे हली वेंदियूं तो उते वरी अमेरिका में प्रेसिडेंट गैलरी ठहंदी आहे जेको जेको प्रेसिडेंट उनजो टेन्यूअर खत्म थी वेंदो आहे तो उनजी प्रेसिडेंट गैलरी ठहंदी आहे उनके जेके जेके गिफ्ट उन वक्त में मिलिया उहे उन गैलरीज में रखा वेंदा आहिनि एकड़ा मिसाल जेके आहिनि उहे मशहूर आहिनि हिकिड़ो बल्गारिया जे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश खे हिकिड़ो कुतो जेको आहे नंढो पपी जेको आहे उहो गिफ्ट कयो हाणे छाकाणि त उहो आर्काइव में न पियो वञी सघे पोइ उहो हुनखे ज़ाती तौर ते ॾिनो वियो जेको हुन खयों
बो एक केस वो मशहूर थो वो हो आंगकांग सूची जी है आंगसांग सूची बर्मा वाली जी म्यांमार जी हुई अगवाण उन हिलरी क्लिंटन के ब्लैक पर्ल जो हार दिनों उहो उन मार्केट वैल्यू ते जेका उन वक्त में उते अमेरिका में उनकी मार्केट वैल्यू हुई उन ते हुन वो परचेज कयो इंगे ही पुराना हिस्टोरिकल माना एकड़ो क्वीन ऑफ विक्टोरिया जेको आए 1880 खां वठी करे उन वट सजा रिकॉर्ड मौजूद हैं हिंगर भी ता ओविल व्हाइट हाउस जे अंदर ता जेको उते दिसना हो ओविल हाउस जेको ठेला ओविल रूम जेको आ विच में एकड़ो दायरे सा उन जे सामू एकड़ी टेबल रखल हुंदी आ वह टेबल उन विक्टोरिया क्वीन की दिनल आज दिन उत पई आए बाहर उन्हें इतने असट है इतने ऐसो हिंसर इमरान खान वे मामले में भी शूँ डी अजीब हैं तहाँ अग में 20% हो तो उनकी मार्केट वैल्यू जेका थे तो 20% खरीद कर सो था इमरान खान पा 20% खी कर वही 50% कर सौ तो हाँ आईंद जला जो भी हुकुमरान कई भी शे परचेज कर चाहिए तो वो 50% कई तहाँ भी 50 बी शा अहम है वह यहाँ है हाँ भी आऊँ ये चवंस तो मौजूदा हुकूमत भला इन में एकड़ी का अमेंडमेंट करे न मार्केट वैल्यू जेका उनकी थे उन परचेज कर न तो जो है उनके सागोई आर्काइव्स में रखन खपे अमेंडमेंट बिल्कुल थियण खपे इन हवाले से पर पाकिस्तान के अंदर अस आर्काइव में रखल शन उ भी उतना चोराए उन सेल क्यों वन पे इन किस्म की इतने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ न होजन के करे कॉन्स्टिट्यूशन से अमल दरामद न थियण के करे इन किस्म की सदाई प्रैक्टिस रही है जहाँ जै जमहूरियत के भी नुकसान दिनों है कानून आइन इंसाफ सभी के नुकसान दिनों है अड़े किस्म की प्रैक्टिस जाहिर है तो पॉलिटिकल फोर्सिस जो यो कम है उन फर्ज आए थे तो पो तो वो पैं उनमें रोल अदा कन जी इन जहाँ प्रैक्टिस है वह उनके बुंजो अची सके इत प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी के पोतो मंजूर साहब प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब तां टिन्ही मेहमान की मेहरबानी प्रोग्राम में अवां जॉइन कियो नाजरीन इंदड़ प्रोग्राम में वरी कें नए उनवान से हाजिर थींदासीं तेसि ताईं इजाज़त अलावा